तो आज हम लोग बात करने वाले हैं BHUE के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसमें बताया गया कि आप अपनी परीक्षा के सेंटर को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ़ोन में हम कैसे करेंगे ये। तो फ़ोन में करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने ब्राउज़र में जाएंगे और वहाँ सर्च करेंगे BHUE ऑनलाइन। सर्च जब करेंगे हम लोग, तो जब ये ओके करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो आएगा BHUE ऑनलाइन, उसको हम लोग ओपन कर लेंगे। BHUE ऑनलाइन.in को ओपन करने के बाद BHUE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगी। फिर उसको हम लोग डेस्कटॉप व्यू में कर लेंगे, क्योंकि डेस्कटॉप व्यू में यूज़ करना काफ़ी सही रहता है इसमें। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे नीचे कि अप्लाई फॉर एडमिशन ऑप्शन होगा UGR कोर्स के लिए और PGR कोर्स के लिए, UET या फिर PET कोर्स के लिए। अप्लाई फॉर एडमिशन कर देंगे UET कोर्स के लिए और PET कोर्स के लिए सेम रहेगा। फिर नीचे जब हम लोग आएंगे यहाँ देखेंगे नए टैब में साइन इन का ऑप्शन होगा। साइन इन करेंगे यहाँ पे, अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे जो हम लोग फॉर्म भरते वक्त यूज़ किए थे। जब इसको हम लोग ओपन कर लेंगे, अगर फॉरगेट आप हो चुका है तो फॉरगेट पासवर्ड भी क्लिक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ये नया टैब खुलेगा। नए टैब में एकदम नीचे हम लोग जब आएंगे तो यहाँ दिखेगा, हम लोग को दिया रहेगा चेंज सेंटर का ऑप्शन। ये चेंज सेंटर का ऑप्शन को जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नेक्स्ट टैब जो खुलेगा उसमें यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट प्रिफर्ड स्टेट पर हम लोग क्लिक करेंगे और इसको एक बार डेस्कटॉप व्यू में कर लेंगे। और सेलेक्ट प्रिफर स्टेट पे जब क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्लिक करके जो हम लोग को स्टेट सेलेक्ट करना है वो हम लोग स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे UP करना है तो मैं UP कर लूँगा। यहाँ पे नीचे आएंगे तो UP का ऑप्शन होगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और फिर जब साइड में थोड़ा जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन देगा सेलेक्ट प्रिफर्ड सिटी, तो उस स्टेट में कौन सी सिटी में आपको देना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इधर सिर्फ एक सिटी का ऑप्शन दिया गया है, आपको इसमें सेलेक्ट करना है, सिर्फ एक सिटी का ऑप्शन दिया गया है, वही फाइनल होगा। और फिर यहाँ पे एक नोटिस भी दिया है, अगर जैसे आप इस फॉर्म को अगर वापस से चेंज नहीं करते हैं तो जो आप पहले भरे थे उसमें सबसे टॉप पे था वो ही आपका सेंटर स्टेट माना जाएगा, जो सबसे पहले आप फर्स्ट प्रेफरेंस भरे थे। फिर यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे कन्फर्म सबमिट करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे दो सेंटर दिए हुए, सेंटर फर्स्ट चूज़ पहले जो हम लोगों ने किया था और जो अभी किया है। और यहाँ डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद हम लोग बाहर आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। फिर डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पे ऊपर देखेंगे साइन आउट का ऑप्शन होगा, साइन आउट कर देंगे हम लोग और ये बाहर पेज में आ जाएंगे। अब ये इसमें फ़ोन में हो चुका है, अब देख लेते हैं PC में हम लोग कैसे करते हैं इसको। PC में भी पहले ब्राउज़र खोल लेंगे। ब्राउज़र खोलने के बाद यहाँ पे अपना सर्च करेंगे BHUE ऑनलाइन, सारे स्टेप सेम ही हैं एक तरह। फिर इस पर जाने के बाद आपका जो वेबसाइट खुलेगा, ये पहले नोटिस बोर्ड जो दिया हुआ है इस पर पहले नोटिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी BHUE से एंट्रेंस जो भी चेंज होने की प्रेफर है। पर आप इस वीडियो को देख के पता लगा सकते हैं क्या करना है यहाँ। फिर क्या है, फिर यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए और स्पेशल कोर्सेज के लिए दिया, तो हम लोग अंडर ग्रेजुएट क्लिक कर रहे तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका ये लॉगिन वाला पेज खुलेगा, तो यहाँ पे आप साइन इन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और फिर साइन इन पे क्लिक कर देंगे। फॉरगेट पासवर्ड है तो वही सेम स्टेप, फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जाने के बाद हम लोग को चेंज सेंटर पे क्लिक करना है, क्योंकि हम लोग को चेंज सेंटर करना था, तो यहाँ पे हम लोग चेंज सेंटर पे क्लिक करेंगे। और फिर इसके बाद ये पेज खुलेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है वही सेम स्टेप से सेलेक्ट प्रिफर्ड स्टेट पहला और दूसरा। पहला स्टेट हम लोग पहली बार जब फॉर्म भरे तब सेलेक्ट किया था और ये सेकंड वाला जो अभी हुआ है। फिर यहाँ पे अपना जैसे मोबाइल वॉल्यूम की तरह से फिर डैशबोर्ड में चले जाएंगे और डैशबोर्ड में जाने के बाद एक बार फिर से चेंज सेंटर पे क्लिक करके चेक कर लेंगे कि है कि नहीं। वैसे यहाँ पे है वैसे, फिर डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और फिर अपने डैशबोर्ड पे जब आ जाएंगे उसके बाद हम लोग साइन आउट कर लेंगे। तो ये स्टेप्स थे इसको करने के, और आप चाहे तो फ़ोन या PC दोनों में कर सकते हैं। फ़ोन में करने में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि बार बार जूम करना पड़ता है और डेस्कटॉप भी में जाना पड़ता है, पर कंप्यूटर पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर अपना चेंज कर लेंगे और होम पेज पे आ जाएंगे साइन आउट करके। इस पे आप नोटिस बोर्ड पर जितनी भी नोटिस आती हैं इसमें अपडेट आते रहते हैं। ये BHUE की ऑनलाइन वेबसाइट है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, और इस पे इसको आप खोल के देख सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि BHUE ऑनलाइन.in ही वेबसाइट है, ठीक है।